जय हिंद साथियों आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए क्वेश्चन नंबर थ्री लेकर आया हूं जो कि की समान विज्ञान पर यह 20 क्वेश्चन रहेगा आपको लिए और 20 क्वेश्चन में आपके लिए जितना भी है ये अभी आने वाले एग्जाम जो आपका है उसमें बहुत ज्यादा आपको हेल्प करने वाला है और क्वेश्चन ऐसे ही आपके लेवल के आएंगे और इस क्वेश्चन में आप देख लीजिए बीस क्वेश्चन में कितना कर पाते हैं आप इस क्वेश्चन को पूरा पूरा देखिए बीस क्वेश्चन ज्यादा टाइम का ये क्लासेज नहीं है बीस क्वेश्चन बस चूज है ये आपका और इसका आंसर चेक कीजिए जब भी आप क्लास करें कि आप देखें कि आप इसमें से कितना कर पाते हैं और अभी जो लाइव क्लास चलेगा आपके सामने में अभी उसमें मुझे कमेंट जरूर करना रिप्लाई जरूर करना कि आप कौन सा क्वेश्चन का जवाब दे पाते हो तो इसमें कमेंट जरूर मुझे अभी करना ठीक है अभी आ, इसमें चैट का ऑप्शन अभी आएगा तो मैं समझ पाऊंगा सभी का मैं चैट पढ़ते रहता हूँ और मैं देखते रहता हूँ कि आप कौन बच्चे कितना रिप्लाई कर रहे हैं और क्लास देखने के बाद क्लास को शेयर जरूर करो, करना ठीक है शेयर करने में क्वेश्चन जाता है क्लास अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना और चैनल पसंद आए तो आप सब्सक्राइब भी जरूर करना सब्सक्राइब करने के लिए मैं कुछ नहीं कहूंगा आपको क्लास अच्छा लगेगा तो आप सब्सक्राइब खुद करोगे आप ठीक है चलो मैं इतना ही ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा बाद आप जानते ही हो अब एग्जाम का आने वाला टाइम है ठीक है तो जा, 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 आप ज्यादा जब आप पढ़ाई पर फोकस करें आप लोग ठीक है ज्यादा मैं टाइम नहीं लेता हूँ लेके जाता हूँ क्लास की तरफ ठीक है चलो देखिए लीजिए आप मेरे साथ अभी क्वेश्चन करना करने हैं आपको लगाने रहे हैं क्वेश्चन आपको चलिए ठीक है आज का जो पहला क्वेश्चन जो है देख लीजिए प्राकृतिक रबर को अधिक मजबूत तथा प्रत्यस्थ बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है प्राकृतिक रबर को अधिक मजबूत तथा प्रत्यस्थ बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है क्वेश्चन जो आपका है जो वर्ट इज एडेड इन नेचुरल रबर टू मेक इट स्ट्रॉन्गर एंड मोर इलास्टिक देखिए आपका ऑप्शन जो है सल्फ्यूरिक अम्ल है स्पंज है सल्फर है क्लोरीन है ठीक तो है, है तो चार तरह का आपका जो है इसमें ऑप्शन है तो चार तरह में आपका ऑप्शन आंसर क्या है देखो जो आपको आंसर सही होता है अभी आप मुझे रिप्लाई करो अभी मुझे रिप्लाई करो कि इसमें से आपका आंसर क्या सही हो रहा है ठीक है तो रिप्लाई जरूर करना अभी वैसे मैं इसका भी आंसर बता रहा हूँ अपना, अपना आंसर मैच कर लेना की ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है ठीक है बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन जो कह रहा है क्लोरीन का अर्थ क्या होता है क्लोरीन का अर्थ क्या होता है आपका ऑप्शन आपके पास जो है क्लोराइड को क्लोरीन में बदलने की प्रक्रिया अशुद्ध जल में थोड़ा सा क्लोरीन डालना क्लोरीन बनाने की एक रासायनिक प्रक्रिया लवन का बनना जिसमें क्लोरीन होती है तो क्लोरीन का अर्थ क्या होता है क्लोरीन का अर्थ क्या होता है चलो अभी आप कमेंट करो ठीक है अगर नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट में कर सकते हो सर नेक्स्ट प्लीज कर सकते हो मुझे और जो बच्चे को पता है आप मुझे कमेंट करो कि ऑप्शन नंबर कौन सा आपका सही है और कमेंट आप एक बार में एक ही बच्चे एक ही करेंगे एक आप कमेंट करोगे बार बार कमेंट करने से कुछ नहीं होता है तो कमेंट आप एक ही बार करो जो आपका आंसर है आपका कमेंट एक बार में आपका मैं देखता हूँ ठीक है एक कमेंट को बार बार ना करें ठीक है दूसरे बच्चे को मौका दे ठीक है चलो इन, इसका आंसर हो जाता है क्लोरीन का अर्थ क्या होता है अशुद्ध जल में थोड़ा सा क्लोरीन डालना अशुद्ध जल में थोड़ा सा क्लोरीन डालना क्या होता है क्लोरीन का अर्थ होता है वॉट डोर क्लोरिनेशन क्लोरीनेशन मीन देखो बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर मुझे इंग्लिश का में भी, भी क्वेश्चन चाहिए तो मैंने इंग्लिश में भी क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूँ ठीक है आप लोगों को क्लास अच्छा रहा लग रहा है तो क्लास को अभी लाइक कर दो ठीक है क्लास क्लास देखने के बाद क्या भूल जाते हो लाइक लाइक भी करना है है को तो जो आपको होता हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेशन होता है तब तो मैं समझ पाता हूँ की क्लास आपको अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करना आप ठीक है क्लास पसंद नहीं आए तो आप डिसलाइक भी लगा सकते हो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगा मुझे कुछ नहीं होगा आप मुझे डिसलाइक भी कर सकते हो ठीक है आप आइए आप पर पूरा पूरा आप पर है ये चीज ठीक है क्लास

जीरो दशमलव एक से दो परसेंट कार्बन पांच से दस परसेंट कार्बन दस बीस परसेंट कार्बन या कोई कार्बन नहीं इस पात में इस पात में क्या होता है इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर ए हो जाता है यानी कि जीरो दशमलव एक से दो प्रतिशत तक कार्बन होता है इस पात में आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए करा है उनका पूरा पूरा सही है ठीक है और चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन जो कह रहा है सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले पदार्थ है यानी कि सागर जल में सबसे अधिक कौन से पदार्थ पाया जाता है सागर जल में ऑप्शन जो है पोटेशियम क्लोराइड साधारण लवन रेत कैल्शियम कार्बोनेट चलो आप कमेंट करो कमेंट करो मैं देखता हूं अभी आपका कमेंट में कितना आपका आ रहा है अभी चलो कमेंट करो अगला जो कुछ, इसका क्वेश्चन जो है इंग्लिश फॉर्म में है दोस्ट एमोडेंट एस इन सी वाटर सबसे ज्यादा उसी वाटर में कौन सा सब्सटेंस पाया जाता है कौन सा सब्सटेंस पाया जाता है चलो उसका ऑप्शन देख लो आप पोटेशियम क्लोराइड कॉमन साल्ट सैंड या कैल्शियम uh, कार्बोनेट तो चार्शन में से आपका आंसर इसमें से हो जाता है कमेंट करो कमेंट करो अभी देख लो अभी मैं देख रहा हूँ कमेंट आपका चलो ठीक है देखो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर चार का ऑप्शन नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साधारण लवन साधारण लवन इसका आंसर हो जाएगा ठीक है चलो बाद की आपको एक चीज और मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको की अगर आपको आर्मी रिलेटेड कोई सा बुक चाहिए आपको आर्मी टेक्निकल हो या क्लर्क हो जे हो ट्रेडमैन हो एन हो तो सभी के लिए ई बुक प्रोवाइड मैं कर रहा हूँ लिंक में आप

अगला क्वेश्चन है सरकारा विलियन के किनवन से बनने वाली गैस कौन सी है सरकार बताओ इसका आंसर क्या होगा वट इज द गैस प्रोड्यूस्ड बाई फर्मेंटेशन टन ऑफ ए सॉल्यूशन। चलो आपका ऑप्शन जो है सल्फर डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन आपका आंसर इसमें से कौन सा होगा आप मुझे कमेंट करें कौन कमेंट करें कौन सा इसमें से आपका आंसर सही हो जाएगा सरफरा किनवन के सॉरी मामा पीजे सरकारा विलियन के, सर, सर वी, के किनवन से बनने वाली गैस कौन सी है चलो इसका आप आंसर करो कमेंट करो कमेंट करो इसका मैं अभी देख रहा हूँ कमेंट इसमें से किसका किसका आ रहा है अभी तो आप मुझे कमेंट जरूर करना मुझे अभी आप आ, चलो तो बहुत बच्चों ने इस सही दिया है, तो मैं इसका कार्बन डाइऑक्साइड कौन सी है तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड चलो ठीक है बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अगला जो क्वेश्चन कह रहा है व्यापारिक तौर पर अमोनिया का सबसे ज्यादा उत्पादन क्यों किया जाता है व्यापारिक तौर पर अमोनिया का, का सबसे उत... ज्यादा उत्पादन क्यों किया जाता है अमोनिया उत्पादन क्यों किया ज्यादा से ज्यादा क्यों किया जाता है आपका ऑप्शन जो है प्रोटीन बनाने के लिए साबुन बनाने के लिए खाद्य पदार्थ बनाने के लिए या फिर उर्वरक बनाने के लिए वॉट इज अमोनिया प्रोड्यूस मोस्ट कॉमर्शियली क्यों किया जाता है टू मेक प्रोटीन फॉर मेकिंग सॉप फॉर फूड या फॉर टू मेक फर्टिलाईजर फर्टिलाइजर बताओ बहुत सारे बच्चे आंसर कमेंट कर रहे हैं अगर नहीं पता है तो बोलो सर नो सर नो सर नो सर नो सर, नो सर, नो सर, नो सर बोल दोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि इसका आंसर अगर पता नहीं है और आप इसका नोट बना रहे हो तो मुझे बता दो आप कोई नोट बना रहे हो तो बता दो सर मैं नोट बना रहा हूँ सर मुझे कमेंट करो अभी ठीक है मैं समझ पाऊंगी की कि कि, कि, किस बच्चों पर कौन सा ध्यान देना है ठीक है मैं एनालिसिस करूंगा कि मुझे कौन से बच्चे के लिए कौन सा क्लास में मिलाना है ज्यादा से ज्यादा मैं वही क्लास लेकर आऊंगा तो आप मुझे कमेंट जरूर करो ठीक है लेकिन ज़्यादा मैं बात करने कर रहा हूं अलग से ठीक है तो आप मुझे कमेंट करो अभी आंसर क्या होगा चलो इस इसका आंसर मैं बता रहा हूँ इसका आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर डी हो रहा है जो की उर्वरक बनाने के लिए यानी कि इसका देखो व्यापारिक तो तौर पर अमोनिया का, का सबसे ज्यादा उत्पादन क्यों किया जाता है अमोनिया का सबसे ज्यादा उत्पादन क्यों किया जाता है क्योंकि ये उर्वरक बनाने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी का आंसर हो जाएगा चलो ठीक है बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ अगला क्वेश्चन कह रहा है उर्वरक में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मौजूद नहीं होता है उर्वरक में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मौजूद नहीं होता है उर्वरक में आपको मतलब ऑप्शन जो है नाइट्रोजन हाइड्रोजन क्लोरिन क्लोरिन या फिर फॉस्फोरस फॉस्फोरस चलो ठीक है व्हाट इज एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन फर्टिलाइजर फर्टिलाइजर में कौन सा इसमें से जो है uh, नहीं पाया जाता है तो इसका आंसर तो आप बता दें इसका आंसर क्या हो रहा है चलो तो इसका आंसर चलो ऑप्शन जो है नाइट्रोजन है हाइड्रोजन है क्लोरीन है या फॉस्फोरस है चलो इसका मैं आंसर बता रहा हूँ उर्वरक में क्या नहीं पाया जाता है तो इसका ये ऑप्शन नंबर सी है जो कि क्लोरीन नहीं पाया जाता है उर्वरक में क्या नहीं पाया जाता है तो इसका आंसर है और क्लोरीन यानी कि उर्वरक में क्या क्या पाया जाता है तो उसको नाइट्रोजन ही पाया जाता है हाइड्रोजन पाया जाता है फॉस्फोरस पाया जाता है लेकिन क्लोरीन नहीं पाया जाता है इसलिए इसलिए आपका आंसर हो जाएगा जो क्लोरीन ठीक है यहाँ पर जरूर क्वेश्चन को गौर से पढ़ना कि यहाँ पर क्या कह रहा है मौजूद होता है या नहीं होता है बहुत सारे बच्चे के आंसर पता भी रहता है लेकिन क्वेश्चन ठीक से पढ़ने में थोड़ा ये कर मिस्टेक कर देते हैं आपका का गलत हो जाता है ठीक है चलो अगला जो क्वेश्चन है प्रकृति में नहीं पाया जाने वाला कच्चा माल कौन सा है प्रकृति में नहीं पाया जाने वाला नहीं पाया जाने वाला ये है देखो नहीं पाया जाने वाला है कच्चा माल कौन सा है जल पेट्रोल विनाइल क्लोराइड या कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड बता दो इसका आंसर क्या हो रहा है व्हाट इज रॉ मटेरियल नॉट फाउंड इन नेचर व्हाट इज व्हाट इज बता दो उसका व्हाट इज रॉ मटेरियल नॉट फाउंड इन नेचर ऑप्शन आपके पास जो है वाटर है पेट्रोल है विनाइल है विनाइल क्लोराइड है या कार्बन डाइऑक्साइड है यानी प्रकृति में कौन सा नहीं पाया जाता है चलो इसका आंसर बताओ इसका आंसर बताओ मैं देख रहा हूँ अभी कौन कौन बच्चे आंसर कर रहे हैं चलो बताओ इसका आंसर क्या हो रहा है चलो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर मैं बता रहा हूँ ऑप्शन नंबर सी हो रहा है कि विनाइल क्लोराइड विनाइल क्लोराइड इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है ठीक है चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन जो कह रहा है चलो मैं देख रहा हूँ अगला क्वेश्चन चलो आ, ये है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ कौन सा पदार्थ केवल एक ही प्रकार के तत्वों से मिलकर बना होता है ये आपका यहाँ पर क्या होगा पदार्थ ठीक है पदार्थ यानी कौन सा पदार्थ केवल एक ही तत्व एक ही प्रकार के तत्व से बना हुआ है यानी इसमें से कौन सा है जो केवल एक ही तत्व से, से बना हुआ है एक ही एलिमेंट से बना हुआ है ऑप्शन आपके पास जो है पेट्रोलियम कोयला जल या वायु पेट्रोलियम कोयला जल या वायु चलो इसका आंसर जो हो रहा है इसका आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर भी हो रहा है जो कि जो कि है कोयला क्या है कोयला इसका आंसर हो रहा है ठीक है चलो अगला है क्वेश्चन नंबर दसवा है लोहे उत के उत्पादन के लिए किस कच्ची वस्तु का किस कैसी वस्तु का इस्तेमाल किया जाता है लोहे के उत्पादन के लिए किस कच्ची वस्तु का इस्तेमाल किया जाता है लोहे के उत्पादन के लिए किस कच्ची वस्तु का इस्तेमाल किया जाता है विस क्रूड थिंग इज यूज फॉर दी प्रोडक्शन ऑफ आयरन प्रोडक्शन ऑफ आयरन ऑप्शन आपके पास है लाइम स्टोन लाइम स्टोन या फिर coke, या पेट्रोल या रबर चलो इस कांसर बताओ, इस कांसर क्या हो रहा है कौन से कच्चे वस्तु का इस्तेमाल किया जाता है तो ये अब क्या किया जाता है किसका तो कोक का इस्तेमाल किया जाता है किसका इस्तेमाल किया जाता है इसमें क्या जाता है कोक का इस्तेमाल किया जाता है क्या इसका आंसर इस इस हो रहा है बता दो इसका आंसर जो इसका आंसर है क्या है तो कोक है ठीक है ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है चलो ठीक है बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अगला जो क्वेश्चन कह रहा है पे... चलो अगला जो क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन में कह रहा है पेट्रोल से लगने वाली आग पेट्रोल से लगने वाली आग बुझाने के लिए प्रायः जल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है क्यों नहीं किया जाता है ऑप्शन आपके पास जो है आग की लपेटें काफी गर्म होती है तथा जल से ठंडा नहीं किया जा सकता अगला है जल और पेट्रोल रासायनिक तौर पर अभिक्रिया करते हैं जल और पेट्रोल आपस में अमिश्रणीय मिश्रणीय होते हैं जल और पेट्रोल आपस में अमिश्रणीय हैं। पेट्रोल जल की सतह पर सतह बना लेती है तथा ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो रहा है बताओ मुझे इसका आंसर क्या हो रहा है वाई इज वाटर नॉट ऑफ एंड यूज टूटिंग पेट्रोल फायर

सही है चलो ठीक है बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है पर्यावरण का प्रदूषण पर्यावरण का प्रदूषण करने वाली गैस कौन सी है पर्यावरण को प्रदूषित पर पर करने वाला गैस कौन सा है आपका ऑप्शन जो आपके पास है ऑक्सीजन है नाइट्रोजन है सल्फर डाइऑक्साइड है या भाप है चलो इसका आंसर हो रहा है मैं इस आंसर बता रहा हूँ कि इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन या नाइट्रोजन या सल्फर डाइऑक्साइड या फिर स्टीम चलो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी है जो कि है सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड चलो अभी आप मुझे बता दो इसका आंसर तो ये है चलो आप मुझे बता दो बारह क्वेश्चन में अब तक में आप कितना क्वेश्चन सही हुआ है तो बारह क्वेश्चन में कितना सही हुआ आप मुझे अभी कमेंट करो मैं देखता हूँ ठीक है बारह क्वेश्चन में कितना सही है आपका ठीक है आपका मोटिवेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है आपको क्लास कैसा लग रहा है अच्छा लग रहा है तो बताओ सर यस सर यस सर मुझे कमेंट करो सर यस सर सर मुझे कमेंट करो सर मुझे क्लास अच्छा लग रहा है सर मुझे क्लास अच्छा लग रहा है चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन जो कह रहा है हीरा उसी तत्व से बना होता है बना है जिससे बना है। हीरा उसी बना है या सरकरा है।, है, है? है, है, है या ग्रेफाइड है या क्लोरोफॉर्म है क्लोरोफॉर्म है क्लोरोफॉर्म बताओ हीरा उस तत्व से बना है जिससे की ग्रेफाइड बना हुआ है जिससे की ग्रेफाइड जिससे बना हुआ है उस तत्व से हीरा भी बना हुआ है इसलिए आपका आंसर क्या हो रहा है ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो रहा है चलो ठीक है अगला क्वेश्चन जो है पौधे की वृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण यौगिक निम्नलिखित में से किससे बने होते हैं पौधे की वृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण यौगिक निम्नलिखित में से किससे बने होते हैं ठीक है चलो आपका ऑप्शन जो है कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन या सल्फर कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन सल्फर चलो इसका आंसर बताओ इसका आंसर जो हो रहा है ऑप्शन नंबर बता दो मुझे आंसर आंसर क्या है पौधे वृद्धि के लिए सबसे ज्यादा कौन सा जरूरी है तो ये है जरूरी ऑक्सीजन जरूरी है ये ऑक्सीजन जरूरी है ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जा रहा है ठीक है बताओ चलो ठीक है बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए आप मुझे कमेंट ये भी करते रहना कि आपका आंसर से कौन सा सही हो रहा है ऑप्शन नंबर क्या है मैं बता रहा हूँ आपको कमेंट मुझे एक ही बार करें एक बच्चे मुझे एक कमेंट एक ही बार करें मुझे जो एक क्वेश्चन के लिए कमेंट एक ही बार करें ठीक है नहीं हो रहा है तो आप सर नो सर बता सकते हो मुझे कमेंट कर सकते हो सर ठीक है चलो आगे बताओ अगला जो क्वेश्चन है महासागरों से शुद्ध जल किस विधि के द्वारा प्राप्त किया जाता है महासागरों से शुद्ध जल किस विधि से प्राप्त किया जाता है महासागरों से शुद्ध जल किस विधि से प्राप्त किया जाता है ऑप्शन आपके पास है फिल्टरन या आसवन या वाष्पीकरण या प्रभाजीकरण प्रभाजी आसवन प्रभाजी आसवन प्र, प्र, आस, तो को महासागर से किस विधि के द्वारा जल निकाला जाता है बताओ इसका आंसर क्या हो रहा है इसका आंसर क्या हो रहा है बताओ अगला क्वेश्चन जो है इसमें क्वेश्चन जो है बाय व्हाट मेथड कैन प्योर वाटर बी ऑब्टेन फ्रॉम दी ओशन बताओ क्या रहा है आंसर क्या रहा है महासागर से प्राप्त किया जाता है किस विधि के द्वारा प्राप्त किया जाता है देखो इस विधि को क्या क्या नाम है यह है आसवन आसवन विधि से प्राप्त किया जाता है शुद्ध जल को यानी कि प्योर वा। वाटर को किस विधि के द्वारा प्राप्त किया जाता है यह आसवन विधि यानी कि वैपुरेशन विधि से निकाला जाता है चलो बढ़ते अगले क्वेश्चन अगला जो क्वेश्चन कह रहा है समुद्र जल से साधारण लवण किस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है समुद्र जल से साधारण लवण किस विधि के द्वारा प्राप्त किया जाता है समुद्र जल से साधारण लवण किस विधि के द्वारा प्राप्त किया जाता है ऑप्शन आपके पास जो है वाष्पीकरण क्रिस्टलीकरण देखो ऑप्शन आपके पास जो है क्या वर्टिकल वर्टिकली निकाला जाता है या इवापरेशन या क्रिस्टलेशन है या फिर फिल्टरेशन है चलो आपके पास ऑप्शन जो है चार ऑप्शन है चार ऑप्शन में से बताओ इसका आंसर क्या क्रिस्टल हो रहा है इसका आंसर क्या हो रहा है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताओ इसका आंसर क्या हो रहा है ठीक है देखो समुद्र जल से साधारण नमक किस विधि द्वारा निकाला जाता है वाष्पीकरण के द्वारा निकाला जाता है किस विधि के द्वारा निकाला जाता है विधि के द्वारा निकाला जा रहा है जो जिन बच्चों ने आंसर बी करा है उनका आंसर सही है पूरा पूरा सही है ठीक है चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन क्वेश्चन तरफ कह रहा है कच्चे तेल से गैसोलीन किस विधि के द्वारा प्राप्त किया जाता है कच्चे तेल से गैसोलीन जो निकाला जाता है वो किस विधि के द्वारा निकाला जाता है चलो इसका ऑप्शन है वाष्पीकरण या प्रभाजी आसवन या आसवन आसवन या फिर फिल्टरन चलो मुझे बताओ इसका आंसर क्या हो रहा है इसका आंसर बताओ क्या हो रहा है ठीक है कच्चे तेल के गैसोलीन प्राप्त किया जाता है किस विधि के द्वारा प्राप्त किया जाता है किस विधि के द्वारा प्राप्त किया जाता है चलो इसका इसका आंसर आंसर मैं बता इस हो रहा रहा हो है ऑप्शन नंबर बी जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी करा है उनका आंसर करेक्ट सही है जो कि प्रभाजी आसमान है यानी कच्चे तेल से गैसोलीन किस विधि के द्वारा निकाला जाता है तो ये निकाला जाता है प्रभाजी आसमान के द्वारा निकाला जाता है चलो ठीक है अगला जो क्वेश्चन है पानी गर्म करने पर उपकरण की हीटिंग एलिमेंट एलिमेंट पर जमने वाली सफेद परत को क्या कहा जाता है पानी गर्म करने वाले उपकरण जो होता है ना उसके हीटिंग जो एलिमेंट होता है उस पर जो कभी कभी देखते हो कि पानी गर्म करने के बाद जो उसका जो मशीन होता है ना उपकरण जो होता है ना उस पर व्हाइट व्हाइट एक परत बन जाता है उस परत को क्या कहते हैं उस परत को क्या कहते हैं चलो ऑप्शन आपके पास जो है सरकरा सामान्य लवन या सी या एम जी सी मतलब की कैल्सियम और ये है मैग्नीशियम क्या कैल्शियम और मैगनीशियम मैग्नीशियम के लवन या सोडियम कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट चलो मैं इसका आंसर बता रहा हूँ जिन बच्चों ने इसका आंसर सी करा है आंसर पूरा पूरा सही है 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 जो एंड मैग्नेट मैग्नेट का का ये ये परत परत बनता बनता और ठीक चलो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कपड़ा धोने का वाला सोडा क्या है कपड़ा धोने वाला सोडा क्या है कपड़ा धोने वाला सोडा क्या है चलो ऑप्शन आपके पास जो है सोडियम क्लोराइड सोडियम कार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट चलो चार चार ऑप्शन आपके पास है चार मुझे आंसर बताओ सोडियम क्लोराइड है या फिर सोडियम कार्बोनेट है सोडियम बाई कार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट सोडियम कैल्सियम कार्बोनेट चलो इसका आंसर बताओ मुझे इसका आंसर क्या हो रहा है ऑप्शन बताओ कमेंट करो इसका आंसर क्या हो रहा है अगर नहीं हो रहा है तो मुझे बता सकते हो नोशर नोसर और आप क्यों किस चीज़ के लिए कौन से चीज के लिए तैयारी करते हो आर्मी क्लर्क की तैयारी कर रहे हो जीडी डी के लिए तैयारी कर रहे हो या टेक्निकल या फिर ट्रेडमैन या फिर एनी के लिए आप मुझे कमेंट करो अभी मैं देखना चाहता हूँ कि कौन से बच्चा मुझे अभी अधिक है किस चीज के लिए मुझे ज्यादा से ज्यादा क्लास लाने क्लर्क वाले बच्चे ज्यादा होगा तो मैं उस पर अभी क्लास स्टार्ट करूंगा उस पर या टेक्निकल का होगा टेक्निकल के लिए या फिर जी डी या ट्रेडमेन आप मुझे अपना ट्रेड मुझे कमेंट करें कि आप किस चीज की तैयारी करना चाहते हो आप आर्मी या किस चीज की तैयारी कर रहे हो मैं उसी पर अधिक से अधिक मैं क्लास लाने का कोशिश करूंगा अभी ठीक है मैं क्लास भी स्टार्ट कर दूंगा उसके लिए जिस, जिस पर ज्यादा ज्यादा बच्चा तैयारी करता होगा जिस भी फील्ड में जाना जाते होंगे क्लर्क में या फिर टेक्निकल या एन ए या डेडमैन या फिर एन में बताओ आप मुझे कमेंट करके बता दो कि आप किस फील्ड का तैयारी करना चाहते हो अगर और या फिर कर रहे हो ठीक है चलो तो इसका आंसर हो रहा है कपड़े धोने वाला जो सोडा होता है वो क्या होता है कपड़े धोने वाला सोडा जो होता है वो क्या होता है तो ये होता है सोडियम कार्बोनेट होता है क्या होता है ये सोडियम कार्बोनेट होता है क्या होता है सोडियम कार्बोनेट होता है ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही है जो जिन बच्चों ने का आंसर बी करा है सोडियम कार्बोनेट करा है उनका आंसर पूरा पूरा सही है चलो बढ़ती अगले क्वेश्चन की तरफ अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कठोर जल साबुन के साथ झाग नहीं देता है कठोर जल जो होता है साबुन के साथ झाग उत्पन्न नहीं करता है क्यों नहीं करता है क्यों नहीं करता है चलो इसका ऑप्शन जो आपके पास है इसमें सी एन एम जी यानी कैल्सियम एंड मैग्नीशियम के कार्बोनेट होते हैं अगला ऑप्शन है आपके पास यह अत्यधिक रंग रंगीन होता है इनमें निलंबित उपद्रव्य होते हैं या फिर इनमें सोडियम क्लोराइड होता है चलो इसका आंसर बताओ इसका आंसर क्या हो रहा है इसका आंसर क्या हो रहा है बताओ इट कंटेन्स कार्बोनेट ऑफ कैल्सियम एंड मैग्नीशियम इट इज वेरी कलरफुल इट सस्पेंडेड वेस्ट इट कर, इट कंटेन्स सोडियम क्लोराइड चलो बताओ इसमें इसका आंसर क्या हो रहा है तो जिन बच्चों ने इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए करा है पूरी तरह से सही है पूरी तरह सही है जो कि है इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम का कार्बोनेट होते हैं इसलिए इसमें झाग उत्पन्न नहीं होता है नहीं होता है, जिन बच्चों आंसर है उनका आंसर पूरा पूरा सही है चलो आप मुझे अभी कमेंट करो कि बीस क्वेश्चन में से आपका आंसर कितना सही हो रहा है आप मुझे अभी कमेंट करके मुझे बताना की आपका बीस क्वेश्चन में से कितना हो रहा है ठीक है और वीडियो को लास्ट तक देखो तो अभी आप जय हिंद जरूर मुझे कमेंट करें जय हिंद मुझे जरूर कमेंट करें कि आप

प्रोवाइड करने का अभी कोशिश करूंगा ठीक है तो आप आप मुझे कमेंट कर जरूर जरूर बताना कि आप किस टाइम पर क्लास चाहते हो पूरे दिन बताना दो कम से कम छह क्लास का टाइम बताना मुझे कम से कम छह क्लास का टाइम बताना उस, आ, उसके लिए ठीक है चलो आज ले इतना ही रहने दो और क्लास कैसा लगा अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना है अभी आपको शेयर जरूर करना है मिलेंगे अगले क्लास में तब तक के लिए जय हिंद